करेंगे नोकिया अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया 10 के बारे में। दोस्तों रूमर के हिसाब से नोकिया 10 में कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक और इनोवेटिव फीचर दिया जा रहा है जो स्मार्टफोन की दुनिया में बिल्कुल नया होने जा रहा है। दोस्तों आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए ताकि आप ये जान जाए कि सभी फीचर क्या है और आप इसे कैसे यूज कर पाएंगे और ये काम कैसे करता है। नमस्कार, तो मेरा नाम सौरभ, आप देख रहे हैं मैक्सिमम चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप अगर नोकिया 10 की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पर जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में वीडियो पहले से बना के रखा हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन पर दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके अभी देख सकते हैं। दोस्तों नोकिया 10 की सबसे पहला यूनिक फीचर है वो 6.5 इंच का एक सुपर कार्ड OLED डिस्प्ले और वो भी अल्ट्रा 4K। दोस्तों आप अभी तक मार्केट पे जो स्मार्टफोन देखे, चाहे गैलेक्सी S8, नोट 8 या फिर एप्पल आईफोन 10 हो, वो सही स्मार्टफोन पे 2K डिस्प्ले या फिर क्वाड HD डिस्प्ले यूज किया जाता है। पर नोकिया 10 ऐसे पहले स्मार्टफोन है जिसे अल्ट्रा HD 4K डिस्प्ले देख पाएंगे और इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होगा, यानी बाकी स्मार्टफोन के मुकाबले आप इस फोन पे बहुत बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी देख पाएंगे। दोस्तों आप इस फोन पे एक नया फीचर देख पाएंगे, उसका नाम है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी आप अपनी उंगली को डिस्प्ले के ऊपर रख के आप उसे स्कैन करके अपनी फोन को लॉक और अनलॉक कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आती है कि एक्चुअली काम कैसे करता है। दोस्तों नोकिया 10 की डिस्प्ले के ऊपर एक अल्ट्रा टच 3D पैनल लगाया जाएगा और आप जब भी उंगली को डिस्प्ले के ऊपर लाएंगे तो आपकी उंगली को तुरंत स्कैन कर लेगा और आपकी फोन को लॉक और अनलॉक कर देगा। दोस्तों नोकिया 10 की तीसरा और सबसे बड़ा फीचर यह है कि आप इस फोन में 10x ऑप्टिकल जूम देख पाएंगे। दोस्तों आप अभी तक जो स्मार्टफोन देखते हैं वो सब फोन में 2x या फिर 3x या फिर 4x ऑप्टिकल जूम देख पाते हैं, पर ये दुनिया में सबसे पहला स्मार्टफोन है जिसे 10x ऑप्टिकल जूम यूज कर पाएंगे, यानी इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगा, चाहे वो एप्पल आईफोन 10 हो या फिर गैलेक्सी S8 हो, नोट 8 हो या फिर नोकिया स्मार्टफोन नोकिया 8 हो, ये सबसे हटके होने वाला है। दोस्तों नोकिया 10 की चौथी और आखिरी सबसे बड़ी फीचर ये है कि आप नोकिया 10 में स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर देख पाएंगे जो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही अल्ट्रा फास्ट काम करता है। दोस्तों आप इस प्रोसेसर की मदद से हाई एंड गेम को इंस्टॉल और आप इसे बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, आप यहाँ कोई भी लैग और हैंग नहीं देख पाएंगे। दोस्तों आप अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि ये चारों फीचर में से सबसे बढ़िया फीचर कौन सा है या फिर आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। और जो आप अगर मेरे चैनल पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन देखो उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलाऊंगा आप उस वीडियो को मिस ना करें, उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों ये वीडियो देने बहुत धन्यवाद, आपने स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।